हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम का। ये चैप्टर फोर्थ है 11th क्लास बायोलॉजी बुक का। इसका जो बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। जैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पहले कर चुके हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। अब बारी आती है कि क्या जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे क्लासिफाई होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक ओवरव्यू लेंगे कि किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है, किस हिसाब से फाइलम जो होते हैं वो बनते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक पर्टिकुलर हर एक फाइलम को उठाएंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि कॉमन फंडामेंटल फीचर के हिसाब से हमारी जो एनिमेलिया किंगडम है ये कैसे क्लासिफाइड है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया किंगडम है। और ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी यूनिसेलुलर कोई भी नहीं होता इसमें। जो एनिमेलिया है उसके अंदर सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। ये दोयों में डिवाइडेड है किसके हिसाब से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर सेलुलर लेवल है तो वो किसके अंदर आता है, वो पोरिफेरा, जो हमारे पास फाइलम पोरिफेरा है उसके अंदर आएगा। अगर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये फर्दर दोयों में डिवाइडेड होता है, यानी रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर या बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर रेडियल सिमेट्री होगी तो हमारे पास दो फाइलम होते हैं इसके अंदर, सीलेंट्रेटा और सिटेनोफोरा। फिर आता है अगर बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल होगी तो ये फर्दर तीन चीजों में डिवाइडेड होता है, यानी उनके अंदर जो सिलोम है, जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट है या नहीं है उस बेसिस के ऊपर। तो एसिलोमेट में क्या आएगा, यानी विदाउट बॉडी कैविटी, तो वो कौन से हैं, प्लेंटी हेलमेंथिस। फिर आता है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट कौन से होते हैं, जिसके अंदर फॉल्स सिलोम होता है, तो वो उसका एग्जांपल कौन सा है, कौन सा फैलम होता है वो, एस हेलमेंथस। फिर आता है सिलोमेट। सिलोमेट कौन से होते हैं, जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो जिसमें सिलोम प्रेजेंट है वो वाले कौन से होते हैं, एनेलिडा आता है, ऑर्थोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है और कॉर्डेटा आता है। तो ये सारे के सारे हमारे फाइलम्स हैं जो कि एक एनिमल किंगडम सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे फाइलम्स होते हैं। अब बारी आती है ये देखना, यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट के ऊपर। यानी आपके पास कुछ एग्जांपल्स दे दिए, कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से ये बताना होगा एसिलोमेट कौन सा है, यानी जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है वो कौन सा होता है, प्लेंटी हेलमेंथस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है सूडोसिलोमेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी एस हेलमेंथस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है इन दोनों के बारे में, तो आपको इनकी प्रॉपर्टी के साथ आपको ये याद रखना है। अब पोरीफेरा के अंदर हमें ये तो क्लियर हो गया है कि उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अंदर और भी काफी सारे फीचर्स हैं, तो उन सबको हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइलम देखते हैं हम पोरीफेरा। जो फाइलम पोरीफेरा होता है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेस बोला जाता है। ये ज्यादातर मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, यानी सिमेट्री इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंस आती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो होता है ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हम देख चुके हैं ये चीज होती है। फिर आता है डाइजेशन किस हिसाब से होता है, तो वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसके अंदर। पॉलीफेरा के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब क्या है इसका, इसमें सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट नहीं होते, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही एनिमल होगा जो कि दोनों सेक्स प्रोड्यूस करेगा, यानी जो मेल गैमेट्स होंगे वो भी प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट्स होंगे वो भी प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है, एसेक्सुअल भी होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन से किया जाएगा, और सेक्सुअली कौन सा होता है, गैमेट से होता है। तो ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है और इनडायरेक्ट होती है, यानी लार्वा प्रोड्यूस होगा इसके अंदर जो कि एडल्ट जैसा नहीं दिखेगा। तो लार्वा पहले फ्यूजन होगा, फ्यूजन से लार्वा बनेगा और फिर एडल्ट बनेगा, तो इनडायरेक्ट होती है। जिसके अंदर डायरेक्ट होता है कि जैसे ह्यूमन बींग होता है, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो फीचर्स होते हैं जैसे बेबी जो होता है वो काफी हद तक एडल्ट जैसा ही होता है, सेम फीचर्स होते हैं उसके, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ ब्रेथ और साइज वाइज में डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। लेकिन जो लार्वा होता है ये मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से, तो इसके अंदर इसीलिए ये इनडायरेक्ट होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन साथ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब आता है इसके एग्जांपल्स, वो कौन से होते हैं, साइकॉन होता है, स्पॉन्जिला होता है और यूस्पॉन्जिया होता है। तो ये तीन एग्जांपल होते हैं किसके आते हैं, पॉलीफेरा के। तो गाइज एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये हमेशा याद रखने होते हैं हर एक के लिए। फिर आता है हमारे पास ये देखने में कैसे होते हैं, यानी इसके अंदर एक तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो कहाँ से होगा, ऑस्ट्रिया से ये एंटर करेगा, यहाँ से ये इनकी एंट्री होगी वाटर की, और वो कहाँ पे जाएगा,
जो बीच वाली जो कैविटी होती है इसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, यानी यहाँ आके वो जमा हो जाएगा सारा का सारा पानी, और कहाँ से निकलेगा वो, ऑस्क्यूलम से, तो इस वाले पोर्शन से वो बाहर निकल जाएगा पानी। तो ये कैनाल सिस्टम की जरूरत क्या होती है, एक तो रेस्पिरेशन एक्सचेंज हो सकता है इसमें, साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी रिमूव हो जाता है, तो ये कैनाल सिस्टम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं या फिर पॉलीफेरा होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो बाउंड्री होती है ये होती कैसी है, यानी इसको अगर हम मैग्निफाई करके देखें तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसमें जो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, कोएनोसाइट्स होते हैं, और इनके ऊपर ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो ये सेल्स होते हैं ये बिल्कुल प्लेन सर्फेस नहीं होते, इनके ऊपर एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के अंदर। और जो ये बीच वाला जो कैनाल होता है उसको हम रेडियल कैनाल बोलते हैं, जिससे जो पानी होगा वो एंटर करता है, अंदर आता है, और बाद में कहाँ पे जाता है, स्पॉन्जोसील के अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील से वो वापस बाहर कहाँ निकलता है, ऑस्क्यूलम के अंदर से, तो ऑस्क्यूलम से वो पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा, और साथ में जितना वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी निकल जाएंगे, और साथ में जो गैस एक्सचेंज करनी होगी वो भी वाटर के थ्रू हो जाती है इसके अंदर। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसकी, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये किससे बना होता है, तो ये स्पिक्यूल से बना हुआ होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है, तो ये दो ही चीज होती है जो कि स्पॉन्जेस होते हैं या फिर पॉलीफेरा होता है इनके स्केलेटन को बनाता है। नेक्स्ट फाइलम आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम सिनेडेरिया भी बोलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, वो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, यानी फ्रेश वाटर बहुत कम पाए जाते हैं, ज्यादातर मेराइन होते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल कैसे होते हैं, जो कि फिक्स रहते हैं एक जगह पे, जैसे जो प्लांट्स होते हैं ये फिक्स होते हैं एक प्लेस के ऊपर रहते हैं, उसको हम सेसाइल बोलते हैं। और फ्री स्विमिंग भी होते हैं, यानी ये मूव भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, तो दोनों टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं। साथ में रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है, जैसे अगर आप इसको दो हिस्सों में काटेंगे, किसी भी हिस्से में काटेंगे तो वो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड करेगा, तो वो रेडियल सिमेट्री होती है, तो ऐसी इनके अंदर होती है। इसको सिनेडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिनेडोब्लास्ट जो होते हैं सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम इसको सिनेडोसाइट्स भी बोल सकते हैं, सिनेडोब्लास्ट दोनों ही बोल सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं, यानी ये हमारे पास पूरी एक बॉडी है, एनिमल बॉडी है ये, और इसके जो ये ऊपर टेंटिकल्स होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो है टिश्यू लेवल एंड डिप्लोब्लास्टिक, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, यानी दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है इसके अंदर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म जो होता है वो नहीं होता है, इसीलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट आती है, इसके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, यानी जहाँ पे खाना जो पचाया जाएगा, डाइजेशन जो किया जाएगा, वो वाला प्रोसेस वहां पे किया जाता है। उसके लिए क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ बोला जाता है। ये माउथ होता है, ये कहाँ पे होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर। तो हाइपोस्टोम कौन सा वाला हिस्सा है, यहाँ वाला, ये वाला जो हिस्सा है इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, जो टेंट्रिकल्स उसके बाद आ जाएंगे और यहीं पे माउथ प्रेजेंट होता है। और ये ओपनिंग होती है किसकी, गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी होती है इसके अंदर, उसके लिए प्रेजेंट होती है। और साथ में हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी टेस्टिस भी प्रेजेंट होती हैं और ओवरी भी प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही एक ही एनिमल के अंदर। फिर आता है जो डाइजेशन होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी सेल के बाहर भी किया जा सकता है, जैसे नॉर्मली डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी सेल्स के बीच में भी हो सकता है और सेल से बाहर भी हो सकता है, तो दोनों टाइप के डाइजेशन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जो बेसिक बॉडी फॉर्म होती है, यानी जो पॉलिप्स होगा वो एसेक्सुअली मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा, और जो मेड्यूसा होगा वो सेक्सुअली पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस हिसाब से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो चलती रहती है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी आती है कि इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं। फाइसेलिया होता है, जिसको हम पुर्तगी मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, साथ में इसका जो कॉमन नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एडम्सिया जो होता है, उसको हम सी एनिमोन भी बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास पेनिट्यूला जो होता है, इसको हम सी पेन भी बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम होता है सी पेन। फिर आता है सी फैन, सी फैन कौन सा होता है, गॉर्गोनिया होता है। और लास्ट आता है मियनट्राइना, जो जिसको हम ब्रेन कोरल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं किसके, सिलेंट्रेट के, और ये सारे फीचर्स होते हैं सिलेंट्रेट के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इस फाइलम के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है, एक तो हमारे पास एग्जाम्पल वो तो हर फाइलम के इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आता है जो पॉलिप्स और मेड्यूसा जो जैसे बनते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉलिप्स होता है वो मेड्यूसा बनाता है, और मेड्यूसा जो होता है वो पॉलिप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये
ये दोनों लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में कभी कभार सिमिट्री भी पूछ ली जाती है, यानी ए सिमिट्रिकल है, रेडियल सिमिट्रिकल है, बायलेटरल सिमिट्रिकल है, तो कौन से वाली जो सिमिट्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये तीन चार चीजें हैं जो इस फाइलम की आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो है सिटेनोफोरस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कॉमन नेम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसको हम सी वॉलनट भी बोलते हैं और कॉम जेलीज भी बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी फ्रेश वाटर में बिल्कुल नहीं पाया जाता। रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी इसको आप जहां से भी, अगर जहीं से भी काटते हो आप, उसमें आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर ये डिवाइड होता है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी दो लेयर होती हैं, जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं ये दो ही होती है, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसके अंदर भी मेसोडर्म नहीं होता। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अब सेल से ये बाहर आ गया, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। तो हमारे पास जो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो किसके अंदर था, वो पॉलीफेरा में था, बाकी किसी के अंदर नहीं होता। और उसके बाद जो सिलेंट्रेटा होता है और सिटेनोफोरा होता है, उन दोनों के अंदर कौन सा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आता है इसके अंदर 8 रोज होती हैं, एक्सटर्नल रोज होती हैं, जो कि जैसे ये जो आपको टेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी सीलिएटेड होते हैं, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे। और ये सिर्फ एक दो नहीं होते, ये कितने नंबर में होते हैं, 8 होते हैं, और एक्सटर्नल रो टाइप के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इनका लोकोमोशन में हेल्प करना। फिर आता है जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी, यानी सेल से बाहर भी हो सकता है और सेल के अंदर भी हो सकता है, दोनों टाइप का डाइजेशन पॉसिबल है इसके अंदर। फिर आता है इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है। तो जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है, यानी एक प्रॉपर्टी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो उससे वो एमिट कर सकता है लाइट को, तो लाइट अगर ये रिलीज कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, तो उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सिटेनोफोरा एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते, यानी जो मेल और फीमेल जो सेक्स होंगे वो दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही बॉडी के अंदर। फिर दूसरा आता है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल मीन्स से, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी गैमेट्स जो होंगे वो बाहर मिलेंगे, बाहर जो जायगोट होगा वो बाहर बनेगा। और ये साथ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, इसमें भी लार्वा फॉर्मेशन होगा और फिर एडल्ट बनेंगे, डायरेक्टली एडल्ट नहीं बनता। तो जो ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है, इसी को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो है प्लूरोब्रैचिया और सिटेनोप्लेना, ये दो एग्जाम्पल होते हैं सिटेनोफोरा के। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इसके, कि इसके अंदर जो माउथ और जो एनस होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी अभी तक जो थे वो सेम पोर होता था, जहां से जो फूड इनटेक हो रहा होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल रहा होगा, ये दोनों चीजें एक ही पोर से हो रही थी, लेकिन इसके अंदर दोनों अलग अलग होती हैं। एक एनल पोर होता है और एक माउथ होता है, ये दोनों अलग पोर प्रेजेंट होते हैं सिटेनोफोरा के अंदर। नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो है प्लेंटी हेलमिंथस। इसके अंदर क्या होगा, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, कि ये डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेड बॉडी होती है, यानी डोर्सल कौन सी साइड होती है, जो हमारी बैकबोन होती है वो डोर्सल साइड होती है, जो हमारी चेस्ट होती है वो वेंट्रल साइड होती है। तो डोर्सल वेंट्रिकली मतलब ये जो बिल्कुल फ्लैट होगा, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों साइड से चपटा होगा बिल्कुल, तो इस हिसाब की हमारी बॉडी होती है, इसीलिए इसको फ्लैट फॉर्म्स भी बोला जाता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, यानी ज्यादातर ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह के एरिया के अंदर रहते हैं, जहाँ पे ये पैरासाइट का काम करते हैं, यानी वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो वो फंक्शन होता है इसका, साथ में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, यानी इंसानों के अंदर भी कई बार ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये पाए जाते हैं। तो जो प्लेंटी हेलमिंथस होते हैं ये मेनली कौन से होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी है। जो प्लेंटी हेलमिंथस होते हैं ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर आप उसको बीच से काटोगे तो एक लेफ्ट हाफ बनेगा और एक राइट हाफ बनेगा, तो इस हिसाब से इनकी सिमेट्री होती है। ये जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, यानी एक्टोडर्म भी होगा, मेसोडर्म भी होगा और एंडोडर्म भी होगा, तो तीनों प्रेजेंट होते हैं इसमें। ए सिलोमेट होते हैं, यानी सिलोम जो बॉडी कैविटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। फिर आता है इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इससे पहले क्या था, टिश्यू लेवल था, अब क्या स्टार्ट हो गया हमारे पास, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हुक्स और सकर्स भी होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है, पैरासाइट का क्या काम होता है, दूसरी बॉडी के ऊपर इन्होंने ज्यादातर न्यूट्रिशन सक करना है, तो उसके लिए सकर्स की जरूरत होती है, तो माउथ की जगह पे यहाँ पे सकर्स लगे हुए होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर,
तो ये प्रेजेंट होता है, साथ में हुक्स क्या होते हैं, यानी उसको अटैच करके रखने के लिए एक जगह पे रुका रहे वो, तो इसलिए हुक्स और सकर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है इसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको फ्लेम सेल बोला जाता है। ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, साथ में एक्सरेशन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो वो कौन सा होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि फ्लेम सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो उनका ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, साथ में एक्सक्रीशन भी होता है, दोनों फंक्शन होते हैं। फिर आता है हमारे पास जो सेक्स होते हैं इसके अंदर, ये नॉट सेपरेटेड होते हैं, यानी एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है, इसके अंदर काफी सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। फिर आता है हमारे पास कुछ जो मेंबर्स होते हैं, जैसे प्लेनेरिया होता है इसका, जो प्लेनेरिया होता है इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब अगर उस एनिमल का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो हिस्सा दोबारे से रीजनरेट हो सकता है, ये एबिलिटी होती है किसमें, जैसे प्लेनेरिया होता है उसके अंदर होता है। तो प्लेंटी हेलमिंथस में भी ये प्रॉपर्टी होती है, ये कई बार हम भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। प्लेंटी हेलमिंथस के कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रीजनरेशन कैपेसिटी भी रखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आता है वो है टीनिया जो होता है, इसको हम टेप वॉर्म भी बोलते हैं, और फेसिकोला जो होता है इसको हम लिवर फ्यूड भी बोलते हैं। और दोनों के दोनों पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, ज्यादातर उनके जो इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसकी, जो प्लेंटी हेलमिंथस जो एनिमल्स होते हैं उन सबके। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।